देखें तो 8668 का क्लस्टर है यहाँ पर, मेरी नज़र सीधे अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स पे जा रही है, उसमें एक L&T सबसे प्राइम रहेगा कि L&T अल्ट्राटेक सीमेंट SBI क्या करेगा आज। 8668 अभी भी अगर आप देखें ओपनिंग टिक्स नहीं आया, आपके स्क्रीन पर आप देखें निफ्टी 8668 पे ही है जी हाँ, खुला है अगर आप देखें 8665 के स्तर पर, लगभग दो अंक नीचे अगर आप देखें। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखिए, आयशर मोटर्स एट ऑल टाइम हाई, जहां 21625 पे इसने अपने ऑल टाइम हाई को अगर आप देखें तो आज वॉलेट करके आप देखें अपने करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों पे। अर्निंग्स का इंपैक्ट देखिए आप, दूसरे पैदान पैदानी पोर्ट्स और उसके बाद अगर आप देखें L&T करीब 13 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, उसके बाद टाटा स्टील लगभग 2.5 रुपये ऊपर, कल का कमजोर स्ट्रक्चर आज यहाँ पे तेजी है। एक्सिस बैंक 547 पे 3.60 रुपये ऊपर, बॉश जिसने कल काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा यहाँ पर भी तेजी है, और उसके बाद एक्सिस बैंक टाटा पावर यहाँ पे करीब 71.20 का स्तर, टेक महिंद्रा इन द लार्ज कैप आईटी स्पेस ये थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है, और इंडसइंड बैंक करीब 7 रुपये की मजबूती यहाँ पर है। वीकनेस में आप देखें जी एंटरटेनमेंट, खुला तो काफी स्ट्रॉन्ग था लेकिन बैकवर्ड पे आया। जी एंटरटेनमेंट BHL 147.80 का स्तर यहाँ पर, हीरो मोटोकॉप, भारतीय टेल, NTPC अगर आप देखेंगे कुछ काउंटर्स जहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है इस वक्त। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मिड कैप में चले, लेट्स टेक मिड कैप स्पेस, मिड कैप के गेनर्स वो स्टॉक्स जहाँ पर मिड कैप में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। इस क्रम में अगर आप देखें आइए एक बार जरा मिड कैप गेनर्स को देखते हैं, अच्छी खासी मजबूती अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स स्पेस काफ़ी अच्छी खासी दिखा रहा है, अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव भी है। अब देखिए इस बीच हालांकि हिंदुस्तान जिंक डिश टीवी 9640 को स्ट्राइक करता हुआ अच्छी तेजी यहाँ पर है। PNG यूनिटेक अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है। जुबिलन फूड, सुजलॉन, इंडिया बुल्स रियल, बाटा अगर आप देखें शानदार मूव, एक्साइड 17860 को स्ट्राइक करता हुआ, उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एम्फेसिस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, सनसुमी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, उसके बाद EIL यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, टाटा ग्लोबल, मैरिको 284.90 आई थिंक ये ऑल टाइम हाई हिट को हाई को स्ट्राइक कर रहा है, ग्लेनमार्क, अदानी पावर, BEL, IDBI बैंक की कुछ काउंटर जहाँ पे काफी अच्छा खासा मूव है। इस बीच कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मूव दिखाई एक्जैक्टली अगर आप देखें सेक्टर्स में क्या हो रहा है, और देखिए लॉजिस्टिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, आप देखिए स्टो में लॉजिस्टिक्स लगभग 1.5% ऊपर, उसके बाद 1.5% ऊपर गति कारोबार कर रहा है, उसके बाद लगभग 1.5% पर VR लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड यहाँ बैकफुट पे थोड़ा सा, लेकिन अल कार्गो आप देखें लगभग 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। GST की राह थोड़ी आसान होती हुई, और GST शायद अब एक वास्तविकता बाजार को नजर आ रही है, आप देखिए इस वक्त काउंटर्स खराब देखें और सारे के सारे काउंटर्स खराब निशान में है। उसके बाद ऑल टाइम हाई आयशर मोटर्स, AB नोवो, मुथूट फाइनेंस, बिडिलाइट, इन सभी काउंटर्स में देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मूव एट ऑल टाइम हाई ये स्टॉक्स स्ट्राइक करते हुए। मैं कुछ देर में ऑप्शन के स्टैटिस्टिक्स भी देखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर आपकी स्क्रीन पे SBI बैकफुट पे, बैंक को बड़ा अगर आप देखें लगभग फ्लैट स्टैक विद द पॉजिटिव एज यूनियन बैंक एंड IDBI बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस इज डूइंग वेल, उसके बाद सिंडिकेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एक फीलिंग ये आ रही है कि जो सरकारी बैंकों का बास्केट है वो थोड़ा सा बैकफुट पे खड़ा है। प्राइवेट बैंकिंग बास्केट को देखिए, येस बैंक नया शायद आई थिंक ऑल टाइम हाई, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक बैकफुट पे है, थोड़ा सा नीचे आया है, 270 के लेवल से स्ट्रगल करेगा। HDFC बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे, कोटक महिंद्रा बैंक इज डूइंग वेल, उसके बाद धनलक्ष्मी बैंक और DCB बैंक यहाँ पर भी करा देखें तेजी दिखाई दे रही है। ये आपके स्क्रीन पर आप देखें मिड कैप सरकारी बैंक है, ये यूनियन बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे है, बाकी अगर आप देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट बैंक, अलाहाबाद बैंक, यूको बैंक थोड़ा सा हरे निशान है, बट विजय बैंक अगर आप देखें थोड़ी सी सॉफ्टनेस नजर आ रही है यहाँ पे। एक बार निफ्टी फ्यूचर्स को देखना चाहेंगे एक्जैक्टली निफ्टी फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, निफ्टी करीब 13 अंक नीचे है, 8653 का क्लस्टर यहाँ पर है। निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन पर लगभग 8724 ह्यूज प्रीमियम कमांड कर रहे हैं इस वक्त अगर आप देखें तो, अगस्त फ्यूचर्स ह्यूज प्रीमियम इस वक्त दीपाली जी। इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं डिश टीवी को भी, पहले तो डिस्क्लेमर ही दे दे कि SL समूह की ही कंपनी है डिश टीवी भी, जिसका ये चैनल भी है, और अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 3% ऊपर 96 के लेवल पर ये ट्रेड करा है, और पोस्ट अर्निंग ज्यादातर ब्रोकर हाउसेज ने बाय रेटिंग रिटेन की है और टारगेट्स को भी इंक्रीज किया है। शायद सिटी की बात कर भी रहे थे कुछ देर पहले अंचल, जहां पर 110 तक के टारगेट्स की बात की जा रही है। विवेक आपके कॉमेंट्स क्या है ऑन डिश टीवी? देखिए मुझे वो स्टॉक कभी पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड दिस स्पेस इज गोइंग टू सी लॉट ऑफ डिसरप्शन विद रिलायंस जियो कमिंग एंड जॉइनिंग द बैंडवैगन, वी डोंट नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड, एज अ रिजल्ट आई एम स्टेइंग क्लियर ऑफ दिस स्टॉक। चलिए इस बीच एक बार ऑयल गैस स्पेस को देखते हैं आपके स्क्रीन पे, टेलीकॉम सेक्टर आपके स्क्रीन पे, भारतीय एयरटेल बैकफुट पे, आइडिया बैकफुट पे, आरकॉम बैकफुट पे, टाटा कम्युनिकेशन बैकफुट पे, यहाँ देखिए लाल निशान कायम है, और ऑयल गैस स्पेस आपके स्क्रीन पे रिलायंस, केन इंडिया अगर आप देखें दोनों स्टॉक्स बैकफुट पे, BPSL इज डूइंग वेल, और साथ ही साथ HPCL करीब 3 रुपये ऊपर। राजेश इस बास्केट में आपको इस पर खरीदने लायक क्या लग रहा है ठीक ठाक OMCs के पैक में?
देखिए, मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं कि इट इज़ कंसोलिडेटिंग नाइसली अबाउट इट्स चैनल ब्रेकआउट. द लेवल इज 1015. तो मुझे लगता है कि 1015-1016 के ऊपर रिलायंस का बायस बहुत अच्छा है. इसका जो टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म टारगेट, दैट इज़ 1065. इनफैक्ट आप ONGC की भी यहाँ पर बात करें, ऑल दो इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल विद द मार्केट, 220 इज इट्स अ प्राइस. व्हाट आई फील इज दैट 216-217 वॉज द सप्लाई पॉइंट अर्लियर, एंड व्हाट वी सी इज अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल पे. तो मुझे लगता है कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी. इसका टारगेट मेरे लिए 265 का फॉर दिस सीरीज. एक बार आप आइशर मोटर्स को देखिए, 22,257 के स्तर पे. अब बुलेट का कोई जवाब ही नहीं जी, करीब 22,261 पे. और जैसे कुछ देर पहले मैं कह रहा था ना आपको, जब दीपाली ने पहली बार बात की छेड़ी थी एक्शन मोटर्स के नतीजों की, कि इस चार्ट को प्लीज आप अगर डेली पर देखेंगे तो आप कन्फ्यूजिया जाएंगे. हैं जैसे कहते हैं ना, आपको देखना है तो देखिए इसको मंथली पे, वीकली पे. राजेश, आई मीन समबडी हु इज होल्डिंग दिस स्टॉक फ्रॉम 19,000 और माइट बी 20,000 और माइट बी 21,000, अब उसको क्या पेशेंस वाकई रखने चाहिए? आप थोड़ा सा इसको रूम दीजिए, बड़े वाइल्ड स्टॉप लॉसेस दीजिए, ये पैसा आपको कमा के देगा. क्या कहते हैं आप इस पर? डेफिनेटली वीरेंद्र, बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत स्ट्रेंथ है. और सबसे बड़ा वीरेंद्र मुझे इसमें लगता है कि वैल्यूएशन का कंसर्न. देखिए 22,000 के स्टॉक्स में जिसका प्राइस है उसमें सप्लाई आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. रिटेल प्लेयर है नहीं इसमें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके इसमें बोनस, स्टॉक स्प्लिट, ये सब चलते रहता है. तो ये इसका डेफिनेटली स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है. जैसे विवेक ने भी कहा कि आइशर का टारगेट 25+ होना चाहिए, मुझे भी लगता है कि इसका मोमेंटम देख के डेफिनेटली इसमें टारगेट्स आएगा. चलिए, शुक्रिया मिस्टर महाजन, शामिल हुए आप शो में और सभी स्टॉक्स पर आपने अपने कमेंट्स शेयर किए. इस बीच आप देखिए, अगर एशियन मार्केट्स की भी परफॉर्मेंस देखें तो निकाई अब एकाएक नीचे आया और अब 0.25% नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान के जो आउटकम्स निकल कर आए हैं वो शायद मार्केट्स को पसंद नहीं आए हैं. बैंक ऑफ जापान ने जो डिपॉजिट रेट है वो -0.1% पर बरकरार रखे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो ETF की जो बाइंग है उसको वो इंक्रीज करेंगे. साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो रियल GDP ग्रोथ है वो 1% के आसपास रह सकती है इस फिस्कल में. हालांकि जो अर्लियर फोरकास्ट था उनका 1.2% का था, यानी जो रियल GDP ग्रोथ के फोरकास्ट में उन्होंने ट्रिमिंग की है, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आने जो अपकमिंग फिस्कल होगा, यानी आगे के जो फिस्कल्स होंगे वहां थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इमीडिएटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की वो संभावना यहां पर नहीं जता रहे हैं. और साथ ही साथ एनुअल गवर्नमेंट बॉन्ड के जरिए वो करीब करीब 80 trillion yen इन्फ्यूज करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ETFs की खरीदारी बढ़ाएंगे. लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स निकल कर रहे हैं, स्पेशली शायद जो GDP ग्रोथ के फोरकास्ट हैं वो मार्केट्स को पसंद नहीं आए हैं. लेकिन अगर भारतीय बाजारों को देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी प्रोमिनेंट है. एक बार मारुति सुजुकी को देख लेते हैं, क्योंकि बीते 3 दिनों में लगातार ये स्टॉक चला है और अब एकाएक अपने इंटरडे हाई से नीचे आ रहा है और दिन के निचले स्तरों पर अब 4736 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, %0.5% कमजोर. ब्रजेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनका व्यू ले लेते हैं. ब्रजेश, गुड मॉर्निंग. मारुति पर ही आपका व्यू ले लेते हैं, बीते 1 महीने की बात करें या फिर 6 महीने की बात करें, एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट परफॉर्मर मारुति सुजुकी रहा है. अर्निंग्स के बाद माना जा रहा था कि शायद थोड़ा दबाव हावी हो स्टॉक पर, लेकिन वो रिफ्लेक्शन भी कायम नहीं हुआ था. लेकिन अब जो ये प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है ऊपरी स्तरों से, क्या यहां से और स्ट्रेच हो सकती है? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है मारुति पर? गुड मॉर्निंग दीपाली जी. देखिए, ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मारुति इज बीन अपवर्डली, नो डाउट कि रिजल्ट के हिसाब से इसमें मोमेंटम था. कल के सत्र में हमने देखा कुछ 4-4.5 तक % का इसमें हाई देखने को मिला था. डेली चार्ट्स पे भी अगर हम देखें तो हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन अपने को हमको देखने को मिले हैं. निचले स्तर की बात करता हूँ तो 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक तो मेरी सलाह यही रहेगी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही हम लेके चलेंगे. निचले स्तर में अगर हम देखें तो 4625 और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एक है, और उससे डीपर सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 4425 के आसपास का आ रहा है. तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 4650 के आसपास में अगर ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आप बाई कीजिए. 4425 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे. मोमेंटम बरकरार है और उसके लिहाज से हमें ऊपर के स्तर 4950 और 5050 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलते हैं. ठीक, किरण बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स इंडेक्सेस पर रखी. राजेश, आखिरी प्रश्न आपसे, दो स्टॉक्स रेस्ट ऑफ द डे के लिए.
देखिए थोड़ा सा हाई बीटा है जस्ट डायल, मुझे लगता है इसमें हम जस्ट डायल में हमने देखा, जस्ट डायल में कंटिन्यूस सेल ऑफ देखा था पिछले तीन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में इसने लोअर लो दिया है, तो मुझे लगता है जस्ट डायल में जितना निगेटिव है वो फैक्टर्ड इन है, तो जस्ट डायल यहाँ पे बाय करना चाहिए। 544 फ्यूचर प्राइस है, 525 का स्टॉप लॉस है, प्योरली ऑन ए पोजिशनल बेसिस में यहाँ पे व्यू दे रहा हूँ। इसका टारगेट मेरा जो रहेगा वो एटलीस्ट 640 का रहेगा, और प्योरली अगर इंट्राडे करना है तो मुझे लगता है जेड देखना चाहिए, 600 के आसपास फ्यूचर प्राइस है, आज इसका रिजल्ट भी है, एटलीस्ट 7-8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए, अपसाइड में मिनिमम 30-40 रुपीज़ आना चाहिए। शुक्रिया आपका राजेश शो में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स अपने कमेंट्स रखने के लिए। इसके अलावा आप शुगर स्टॉक्स का हाल देख लीजिए, जहां पर खरीदारी देखी जा रही, केसीपी शुगर यहां पर अच्छे अर्निंग का ट्रिगर भी है, स्टॉक 6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। उगर शुगर 5% की मजबूती दिखा रहा है, धरानी शुगर में 2.5% का उछाल है, पौनी शुगर्स, मवाना शुगर्स, शक्ति शुगर्स यहां भी 1.5-2% तक की खरीदारी देखी जा रही है आज के सेशन में, और शुगर स्टॉक्स आज ज्यादातर शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ब्रिजेश कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है शुगर शेयरों में आज? देखिए शुगर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट आई वुड बी अगेन बेटिंग राणा शुगर एज वेल एज अपर गेन्स। राणा शुगर की अगर हम बात करते हैं, द स्टॉक्स इज बीन मूविंग इन अ अपवर्ड चैनल स्लाइटली, समवेयर अराउंड 18 रुपीज़ के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आप ही के शो पे मैंने लगभग 14-15 रुपये के आसपास में इसको बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, और अभी भी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड में ही ये ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम अभी भी बरकरार है। मौजूदा सर को अगर हम देखा जाए तो 16 रुपये के आसपास का उसका एक अच्छा एक सपोर्ट एक है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडिंग की बात करें तो मौजूदा सर पे भी बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड की मैं बात करता हूँ तो लगभग 22 रुपये तक के लेवल हमको एक शॉर्ट टर्म में नज़र चार्ट के द्वारा नज़र में आ रहे हैं, तो आप इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। इस बीच एक बड़ा अजीब से अगर आप देखें ट्रेंड है मार्केट का इस वक्त, और वो है एक्सपेंसिव स्टॉक्स, थोड़े से महंगे स्टॉक्स है। आप देखिए आइशर मोटर्स को लगभग 4.5% ऊपर, आप देखिए उसका नेस्ले, बॉश, अटलांट अबाउट को देखिए, आप फोर्स मोटर्स को देखिए, जितने भी एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं लगभग आई मीन लुक एट आइशर मोटर्स। हालांकि आइशर मोटर्स पर अगर आप देखिए अर्निंग का इम्पैक्ट है, लेकिन नेस्ले करीब 1.5% ऊपर। आज हमने FMCG स्टॉक्स को नहीं देखा एग्जैक्टली, आप क्या कर रहे हैं? ITC अगर आप देखिए 253 पर थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ा है आज, और HUL मोर और लेस अगर आप देखें तो इसी ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। एक बजाय आप देखें ये डाबर मेरिको ये क्या कर रहे हैं इस वक्त, लेट्स टेक मेरिको आज सुबह मेरे को एक बार दिखा तो था, अगर आप देखें अभी क्या कर रहा है 283, थोड़ा सा अगर आप देखें शायद थोड़ा सा अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई 290 क्लस्टर से अगर आप देखें उसके पास गया, फिर यू टर्न इसने ले लिया। लेट्स फॉरगेट FMCG, मैं थोड़ा सा जरा एग्रेसिव स्टॉक्स की तरफ चलता हूं जो परसेंटेज विनर्स हैं इस वक्त, वाइल्ड स्विंग वाले काउंटर्स अगर आप देखें तो इसमें एक मंगलम टिम्बर्स को देखिए 3465 लगभग 11% ऊपर, गुजरात एल्कलीज इन केमिकल्स लगभग 13% ऊपर है, SR शिपिंग 3040 स्ट्राइक करता हुआ 270,000 शुरू के कारोबार के बीच में, दीप इंडस्ट्रीज पोस्ट नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, मालू पेपर्स अगर आप देखें 6% ऊपर है, ल्यूमैक्स ऑटो कल का स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आज ये भी स्टॉक्स अगर आप देखें तेज कारोबार कर रहा है, और प्राइम सिक्योरिटीज 1340 पे, और अगर आप देखें तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट, टीएन न्यूज़प्रिंट को देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, यहाँ पे डिश टीवी अब 9730 स्ट्राइक करता हुआ, डिश टीवी में अगर आप देखें पोस्ट नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव, फिलिप्स कार्बन ये भी अगर आप देखें एक बार फिलिप्स कार्बन को देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस वक्त लगभग 194.60 पे क्या मूव दिया है इस स्टॉक ने भी आप देखें, और याद रखिए फिलिप्स कार्बन का ये ऑलमोस्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऑलमोस्ट आप देखिए तो 5 साल का नया हाई विजिट कर रहा है। लेकिन ब्रिजेश ये जिस क्लस्टर में है इस वक्त फिलिप्स कार्बन, क्या एक बार के लिए बुक करके प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ये 200 से लेकर 220 ये थोड़ा सा एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है वीकली मंथली पे। देखिए वीरेन जी अगर आप फिलिप्स कार्बन को डेली चार्ट पे जी शुड आई कंटिन्यू जी ब्रिजेश देखिए वीरेन जी अगर आप डेली चार्ट पे अगर आप फिलिप्स कार्बन को अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड 110-120 के जो रेंज में था उसमें एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट आपको देखने को मिला था, जैसे जैसे ये इसकी अपवर्ड जर्नी चालू होती चली गई वैसे वैसे इसका वॉल्यूम ड्राई होता चला गया, सो इट्स अ वेरी रिस्की प्ले। अगर किसी ने पहले से बाइंग कर रखी है तो आई वुड बी सेइंग दैट कि 200-205 रुपये का एक जोन है जो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा, तो वहां पर अगर आता है तो प्रॉफिट बुक करें। 185 रुपए के आसपास का उसका एक
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बना के चले। सो बेटर ये है कि किसी की पुरानी अगर होल्डिंग है तो प्रॉफिट बुक करें, एग्रेसिव बाइंग ना करें इसमें। जी चोखालिंगम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चोखालिंगम गुड मॉर्निंग, नई सीरीज का शुरुआत हो रही है और 8650 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं और अभी भी कई सारी अहम कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने बाकी हैं और साथ ही साथ जीएसटी बिल एक बड़ी होप इस सीरीज के लिए फिर से इमर्ज हो गई है। आप यहां से कितनी स्ट्रेंथ मार्केट में आते हुए देख रहे हैं या फिर इन्हीं स्तरों के आसपास मार्केट अभी कंसोलिडेट कर सकते हैं? डेफिनेटली द मार्केट विल हिट लाइफ टाइम हाई बिफोर December 31st, 2016, दैट्स माई फर्म कन्विक्शन। Definitely the corporate earnings are not showing any significant improvement, but very interestingly the macro economy is showing a significant shift in the aggregate demand. You know, you have the monsoon, you have robust excise duty collections, you have a record of fuel consumption in the June quarter, FDI inflow is robust, credit growth, banking sector's credit growth has become double digit in the latest fortnight. So therefore I believe Sensex will cross 30,000, निफ्टी विल क्रॉस 9,200 बिफोर एंड ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर। जी तो निफ्टी 9,200 के लेवल्स को भी पार कर सकता है इस कैलेंडर ईयर में, ऐसा चोखालिंगम मानते हैं। हालांकि अभी इंडेक्स 5 अंक नीचे 8,660 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है।